बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन के बाद हर तरफ तहलका मच गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद इसका भाभी भी सदमे में, दुनिया को अलविदा कह गया है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा खबर पटना से आ रहा है, जहां बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक फैन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनने के बाद वह बहुत परेशान थी। सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो वह बार बार देख रही थी और यह खबर आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन थी। मामला पटना के राजेंद्र नगर की है, जो रोड नंबर 12 में रहने वाली एक 17 वर्ष की नाबालिग फांसी लगा ली है। कहा जा रहा हुआ इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी। उसके परिजनों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बार बार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़ी खबरें और फिल्में देख रही थी। परिजनों का कहना है कि सोमवार की रात खाना खाने के बाद वह छत पर टहलने गई, तब तक सामान्य थी। थोड़ी देर टहलने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली गई। मंगलवार की सुबह देर तक जब कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो परिजनों ने देखा युवती ने फांसी के फंदे में झूलती मिली। आनन फानन में परिजनों ने युवती को लेकर BMCH पहुंची, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि नालंदा जिला के चंडी थाना के इलाका लोधीपुर में भी एक 10वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया है। सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी रात में देखा था। आज सुबह वह अपने नए घर बन रहा है, वहीं अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर रस्सी के सहारे फांसी के फंदे में झूल गया। काफ़ी देर तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसे खोजने लगे। जब परिजन ढूंढते हुए वहां गए और दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका से दरवाज़ा तोड़ते हुए जब अंदर गए, कमरे का नज़ारा देख परिजन के होश उड़ गए। इसके बाद चीख पुकार मच गया। घटना का जानकारी मिलते ही चंडी थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिहार सदर अस्पताल ले गया। पुलिस छानबीन में जुट गया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरा देश सदमे में है। सुशांत सिंह राजपूत की फैन ने जो किया वह गलत किया या सही किया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाली घंटी दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।